दोस्तों, क्या आप भी अपने YouTube वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक को अपने वॉइस के साथ डब करना चाहते हैं? DaVinci Resolve 19 में ये फ्री है। कैसे आप इसको ऑटोमेटिक अपने वॉइस के साथ, वॉइस बैकग्राउंड जो म्यूजिक है उसको डब कर सकते हैं? अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, बीच बीच में अगर मैं रुकता हूँ तो जो वॉइस है म्यूजिक का वो बढ़ता है, और जो जब मैं बोलना स्टार्ट करता तो वॉइस बैकग्राउंड जो म्यूजिक है उस ऑडियो की वॉइस है वो कम हो जाती है। कैसे ये हम ऑटोमेटिक करते हैं DaVinci Resolve में, जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। सो हेलो गाइज, माय नेम इज अनिल एंड यू वॉचिंग टेक अनिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो आने वाले ऐसे ही और मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइज, बिना टाइम के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अपने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक को डक करने के लिए आप DaVinci Resolve को ओपन करके अपने टाइमलाइन में वीडियो को इंपोर्ट कर लें। अभी मैं इस वीडियो को प्ले करता हूं, एक बार इसको सुन लीजिए आप। दोस्तों, क्या आप भी अपने YouTube वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक को अपने वो, तो ये अभी विदाउट जो म्यूजिक बैकग्राउंड है, अब इसमें हम म्यूजिक बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक म्यूजिक मैंने पहले से इंपोर्ट कर रखा है, इस म्यूजिक को मैं यहाँ पे जो ऑडियो की टाइमलाइन 2 में यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। अब मैं अगर इसको प्ले करता हूँ तो एक बार सुन लीजिए आप। दोस्तों, क्या आप भी अपने YouTube वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक को अपने, तो अभी ये जो वीडियो प्ले हो रहा है और जो सॉन्ग प्ले हो रहा है, इसमें दोनों में जो दोनों का जो सॉन्ग है ऑडियो 1 और 2, ये दोनों मैच नहीं कर रहे, मतलब एक ही वॉइस जिन दोनों की जो वॉइस है उसमें ये प्ले हो रहे हैं। कैसे हम इनको डक कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे नीचे आप देखेंगे जो म्यूजिक जो आपका पैनल है इसमें आप आ जाएं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। आप यहाँ पे आपका जो A1 ऑडियो 1 दिख रहा है, ये हमारे वीडियो का जो बैकग्राउंड वॉइस है, और यहाँ पे जो ऑडियो 2 है ये हमारे जो वीडियो का म्यूजिक बैकग्राउंड है वो यहाँ पे हमने लिया है। म्यूजिक बैकग्राउंड यहाँ पे एड लेयर 2 में हमने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे जो लेयर 2 है इसके अंदर। और आप अपने जो राइट साइड में एक मिक्सचर जो चैम्बर पैनल है देखेंगे, अगर आपको ये शो नहीं करता तो यहाँ पे आपको 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो ये मिक्सचर चैम्बर जो पैनल है ओपन हो जाएगा। इसमें हमें यहाँ पे जो डायनेमिक है इस बॉक्स पे आपको डबल टैप कर देना है। यहाँ पे आप जो A1 देख रहे हो ये हमारा ऑडियो A1 है, और ये जो A2 है ये हमारा जो लेयर वाइज यहाँ पे लेयर बनेगी मिक्सचर चैम्बर में। यहाँ पे डायनेमिक में ग्राफ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर की लाइन है, जो यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A1 सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा जो ऑडियो है वीडियो का जो बैकग्राउंड वॉइस है वो लेयर है, और जो A2 है वो हमारे जो बैकग्राउंड म्यूजिक लेयर है। यहाँ पे अगर 3-4 आएंगे तो यहाँ पे सेम यहाँ पे वो बॉक्स बनते जाएंगे, उनका सेपरेट यहाँ पे मिक्सचर चैम्बर में यहाँ पे वो बॉक्स ऐड करते जाएंगे। फिलहाल हमें A1 को सिलेक्ट करना है हमारी वॉइस को, और मैं यहाँ पे इसके डायनेमिक जो ग्राफ है इसमें डबल टैप करूँगा। डबल टैप करने के बाद यहाँ पे आपका नीचे आप देखेंगे साइड चेन में, यहाँ पे सिलेक्ट साइड चेन सिक्योर है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, और जहाँ पे भी आपका ऑडियो है जो वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक है उस ऑडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। अभी फिलहाल यहाँ पे 2 ही ऑडियो लेयर है तो मैं इसको सेलेक्ट करके इसको आपको उसे कट कर देना है, बस इतना सा काम है। बट अगर मैं इस ऑडियो को यहाँ पे लेयर 4 में ऐड कर देता हूँ, जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको मैं लेयर यहाँ पे 4 में ऐड करता हूँ, फिर मैं जो हमारे ऑडियो 1 के डायनेमिक पे डबल टैप करूँगा और यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा ऑडियो 4 भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमें वो जो लेयर को सेलेक्ट करना है जहाँ पे हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक हो, तो हमारे नंबर 4 में, ऑडियो नंबर 4 में हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो यहाँ पे मैं इसको 4 को सेलेक्ट कर दूंगा और इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। फिर आप मिक्सर चैम्बर में आएंगे, फिलहाल हमें A1 और A2 लेयर ही दिखाई दे रही, तो अगर आप इसकी साइज को अगर एक्सटेंड करेंगे, अगर आप नीचे आप स्क्रॉल भी कर सकते हो, हमारे पास A4 ऑडियो का यहाँ पे जो डायनेमिक जो पैनल है इसको यहाँ पे ग्राफ को डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद यहाँ पे आप उसको देख भी सकते हो डायनेमिक ऑडियो 4, और यहाँ पे आपको इसके जो कंप्रेस यहाँ पे टिक मार्क करना है, और आप नीचे जाएंगे तो जो सोर्स है यहाँ पे आपको टिक करना और उस ऑडियो को सेलेक्ट कर लेना। ये हमारा ऑडियो 4 हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक है, और इसमें हमारे किस जो लेयर में हमारा वॉइस है उसके साथ मैच करना, तो हमारा जो ऑडियो 1 है उसके साथ मैच करना है। इसके बाद में आप साइड चेन में जस्ट नीचे ऑन लिखा है इसको टिक मार्क कर दें। इसको टिक करने मार्क करने के बाद मोस्टली आपका सारा काम हो चुका है। बट हमारा दोस्तों, क्या आप भी अपने YouTube वीडियो का जो बैकग्राउंड है अपने वॉइस के साथ थोड़ा सा स्टेबल करना पड़ेगा, हमें मैनेज करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड और रेशियो वगैरह जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इनको थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करना पड़ता है। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो थ्रेशोल्ड होता है ये हमारा जो ग्राफ है इसमें जो ब्लू लाइन है ये और ये जो ग्रीन लाइन है, ब्लू लाइन हमारे वॉइस को कट करती है। जैसे मैं अगर इस थ्रेशोल्ड को मैं 0 करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो ग्रीन का जो ग्राफ है वो नीचे आ चुका है।
इसका मतलब हमारी जो वॉइस है वो यहाँ से कट हो रही है, मतलब इससे ऊपर नहीं जा रही है। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इसको हाई कर देता हूँ, तो आप जैसे अपने वॉल्यूम को ज़्यादा बढ़ा देते हो, और अगर इसको कम करते हो तो वॉल्यूम की जैसी वॉइस होती है ना वैसे सेम ये वैसे काम करता है। और आपका जो रेशियो है वो रेशियो का आपका जो काम होता है कि आपका जो और इसको कितना वैल्यू को कम करना है, वॉइस वैल्यू को आप अपने वॉइस जो बैकग्राउंड म्यूजिक वॉइस को कितना कम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं प्ले करता हूँ अपने अभी जो हमारा ग्राफ है वो वॉइस यहाँ से आ रही है बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉइस के साथ डक करना चाहते हैं, अगर मैनेज नहीं होती है तो हम ये किन्नी जो ऑप्शन है इसको अगर मैं बढ़ाता हूँ तो इसका काम है हमारा जो जहाँ पे कट लगता है हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक और वॉइस के पास जो कट लगता है उसको कर्व मतलब स्मूथ और स्मूथ वॉइस देता है। डाविंची रिजोल्व 19 में ये फ्री है, इसका काम ये है। और जो मिक्सर है ये हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक वॉइस को अप करता है। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ कैसे आप इसको ऑटोमेटिक अपने वॉइस के साथ वॉइस बैकग्राउंड, अभी आप देखेंगे कि हमारा जो वॉइस है वो इसके साथ नहीं आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा वॉइस मैं थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ वॉइस को। और अब मैं यहाँ पे आपको सुनाता हूँ क्योंकि वॉइस स्टार्टिंग में स्लो बज रहा है। अब मैं दोस्तों क्या आप भी अपने यूट्यूब वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक को अपने वॉइस के साथ डक करना चाहते, अभी भी अगर आपका म्यूजिक आपके जो वॉइस के साथ सेट नहीं हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास नीचे और ऑप्शन है। ये अटैक का मतलब होता है, अटैक मतलब आप कितना उसको अटैक देना चाहते हो अपने वॉइस के साथ, कितना डाविंची रिजोल्व 19 में ये फ्री है, कैसे आप इसको ऑटोमेटिक अपने वॉइस के साथ, बीच में जो हमारे गैप आएगा उसमें हमारे वॉइस को कितना अप करना है कितना कम करना है उस अटैक का काम होता है। इस अटैक का मतलब है कि हम जब मैं बोलना बंद कर देता हूँ जो बीच में जो गैप आएगा उसमें उस वॉइस को कितना अप करना है उसका काम इस अटैक का होता है। होल्ड का काम होता है उस जो गैप में जो मैं बोलना बंद करता हूँ उस गैप के अंदर कितना उस वॉइस को कम करना है, होल्ड करना है, वो होल्ड करना है। मोस्टली होल्ड को मैं यूज नहीं लेता हूँ क्योंकि ये वॉइस को हमारे कम कर देता हूँ तो मैं इसको जीरो ही रहने देता हूँ। और जो लास्ट ऑप्शन है रिलीजन, इसका भी मैं ज़्यादा इसको छेड़ता नहीं हूँ, इसको जितना है उतना ही ऑटो रहने देता हूँ। मोस्टली अटैक को आप कर सकते हो क्योंकि आपको कितनी जो गैप में आपको वॉइस चाहिए वो आप सुन सकते हो। अगर मैं अब वीडियो प्ले करता हूँ, अब मैं इसको कट करके अब यहाँ पे मैं एडिट पैनल में आता हूँ और इसको मैं प्ले करता हूँ, जो म्यूजिक है उसको डक कर सकते हैं। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ बीच बीच में अगर मैं रुकता हूँ तो जो वॉइस, तो अभी आप सुन सकते हैं कि ये आप वीडियो में देखिए ये जो गैप है यहाँ पे वॉइस अप हो, तो जो वॉइस है। तो दोस्तों फिर भी अगर आपका जो वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉइस अगर ज़्यादा लगे तो यहाँ पे ऑडियो यहाँ पे लेयर 4 में आए, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको म्यूजिक का जो वॉल्यूम है इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आप आपको प्ले करके आप सुन लीजिए, मैं प्ले करता हूँ। हेलो गाइस, माय नेम इज अनिल एंड यू वाचिंग टेक अनिल। अब ये एकदम परफेक्ट हमारे जो वीडियो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सेट हो चुका है, तो ऐसे ही आप अपने जो इस म्यूजिक बैकग्राउंड को अपने वॉइस के साथ डक कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में डाविंची रिजोल्व में ऑटो डक कैसे यूज करते हैं इसके बारे में सिखाया। अगर फिर भी आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो वीडियो कमेंट में जरूर लिख सकते हैं या फिर आप मुझे इस आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।